हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेशर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। थैंक यू। हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेशर में आपका स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप नेवी डबल ए SSR स्टडी प्लान कर सकते हैं बैच 2021 के लिए। कौन सा ऐसा प्लान है जिसको अपनाकर आप 100% अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। और साथ में इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट की कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक है जो बेस्ट है आपके लिए। तो ये सारे मैं अपने एक्सपीरियंस से ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगा जो आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने में आपकी पूरी सहायता करेगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, ये वीडियो आपके लिए होने वाली बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। बारीकी से हम इसके बारे में बात करेंगे। सिर्फ 4 मिनट की वीडियो है, हो सकती है आपके करियर को चेंज कर दे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टडी प्लान करना आपने, मैंने यहाँ लिख रखा है सर, आप देख सकते हो। सुबह सुबह पढ़ो, बहुत अच्छा रहता है, आपको सबको पता भी है और वो लंबे समय तक याद रहता है। रात को चाहे आप कम पढ़ सकते हो, लेकिन सुबह जल्दी उठें, सारे सेक्शन को ज़रूर पढ़ें, यानी कि सिर्फ फिजिक्स मैथ स्टडी इस सेक्शन इक्वली, ये आपको पता है क्योंकि नेवी में आपको हर सेक्शन क्लियर करना ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट 9 मार्क्स ईच इन एवरी सेक्शन। प्रत्येक सेक्शन में 9 नंबर तो आपने लेने ही हैं, इसलिए सुबह सुबह पढ़ें और प्रत्येक सेक्शन को इक्वली टाइम दें आप। ये जो पहली आप टिप्स कह सकते हो इसको, गिव इक्वल टाइम। यदि आपने फिजिक्स में 24 गेट कर लिए और इंग्लिश में आपके या जीके में आपके 8 मार्क्स आते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उस 24 का। तैयारी अभी से शुरू करो, यानी कि एग्ज़ाम की डेट आने के बाद पढ़ेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं मानता हूँ। बच्चे तभी शुरू करते हैं जब उनकी एग्ज़ाम डेट आ जाती है, तब वो उनके दिमाग में एक अड़बड़ाहट, एक टेंशन शुरू हो जाती है, इससे वो अच्छी तैयारी नहीं कर पाते। इसलिए स्टडी का यदि कोई बेस्ट टाइम मैं मानता हूँ तो वो है अब, क्योंकि अभी आपका जो माइंड है पूरी तरीके से शांत है, उसमें किसी प्रकार की हलचल नहीं है कि डेट आ गई है तो अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और जो बेस्ट बुक्स हैं अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, तो ये किताबें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। SK पब्लिकेशंस की है, अरियंत की है, आर गुप्ता की बेस्ट बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। ये स्क्रीन के ऊपर आपके इनको आप देख सकते हैं, ये 3 किताबें हैं, 3 पब्लिकेशंस, डिफरेंट पब्लिकेशंस हैं, वेरी गुड बुक्स फॉर यू, काफ़ी हेल्प करेगी एग्ज़ाम को क्लियर करने में आपका। और जो SK SSR है इसमें प्रैक्टिस सेट है, और प्रैक्टिस सेट तो चाहे किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करो, प्रैक्टिस सेट काफ़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको वही सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं प्रैक्टिस सेट जो आपके पेपर में सिचुएशन क्रिएट होती है, इसलिए प्रैक्टिस सेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, इसमें ये मेन जानकारियाँ थी जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए थी। लास्ट में तो ये कहूँगा, होप फॉर योर सिलेक्शन, होप फॉर योर बेस्ट फ्यूचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय।